नमस्कार, टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उस्मानी सर, आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो हमारा जो डीसी मोटर होता है, वो जब हम डीसी मोटर पे कार्य करते हैं या ऐसी मशीनें हैं जहाँ पर डीसी मोटर का यूज होता है, तो उसमें जो है स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, जिसको आवश्यकता अनुसार हम स्पीड को कंट्रोल करके घटाते बढ़ाते हैं और वर्क पे उसको काम लाते हैं। तो आज मैं जो है उसी के बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाँ शेयर कीजिएगा, और हाँ वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं हमारी जो डीसी मोटर है और शंट मोटर है, कंपाउंड मोटर है, तो उसको जो है किस प्रकार से उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो हमारा पहला होगा ये हमारा फील्ड आर्मेचर कंट्रोल विधि। तो क्या करते हैं, ये हमारी हो गई फील्ड, फील्ड हो गई, शंट फील्ड हो गई, और ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारे हो गए कार्बन ब्रशेज हो गए ये। अब फिर क्या करते हैं, इसके सीरीज में जो है एक परिवर्ती रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यानी जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है, जिससे इसके सीरीज में आर्मेचर के सीरीज में परिवर्ती प्रतिरोध लगा देते हैं, और इसको आवश्यकता अनुसार लोड के आवश्यकता अनुसार घटाते और बढ़ाते हैं, इसको स्पीड को कम करते हैं। इससे लाभ क्या है, स्पीड को जो है कम किया जा सकता, लेकिन क्या है इसमें जो विद्युत धारा का खपत ज्यादा होती है, और इसके अलावा जो है शून्य तक इसको नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारी हानि हो गई। और दूसरी हमारी विधि जो है वो है हमारी फील्ड कंट्रोल विधि हो गई हमारी। ये हमारे हो गए फील्ड, ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारे कार्बन ब्रशेज हो गए। तो इस विधि में क्या करते हैं, ये हमारे हो गए सप्लाई, डीसी सोर्स से सप्लाई देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी जो फील्ड हो गई है, जो फील्ड शंट फील्ड में लगी होती है, उसके जो है सीरीज में एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जब हम परिवर्ती प्रतिरोध को कम या ज्यादा करते हैं, तो इसमें जो फ्लक्स है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स जो है वो भी घटता और बढ़ता है, और हमारा आर्मेचर जो है उसी हिसाब से कम स्पीड में और ज्यादा स्पीड में घूमता रहता है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों स्पीड कंट्रोल की विधियां जो है आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। ये हमारी हो गई आर्मेचर कंट्रोल विधि और ये हमारी फील्ड कंट्रोल विधि। इसके जो है फील्ड के सीरीज में एक परिवर्ती प्रतिरोध लगाते हैं, और इसके जो है आर्मेचर के सीरीज में एक परिवर्ती प्रतिरोध लगाते हैं। तो ये उम्मीद है आप लोगों को जो है पसंद आया होगा, और अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।